हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतर नई ट्रिक सिखाए हैं, जिसमें आप एक क्लिक से आप अपने टेस्ट को बिल्कुल डिजाइनेबल बना सकते हैं, बिल्कुल 3D लुक उसे दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं कि हम कैसे टेक्स्ट के ऊपर 3D लुक लाते हैं। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट लिख लीजिए, जो भी लिखना हो। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आप बस अपने कोरल के बिटमैप ऑप्शन पर जाएं और टेक्स्ट को कन्वर्ट टू बिटमैप कर दें और इसको यहाँ पर CMYK चूज कर लें, 300 DPI ही रखें और फिर उसको यहाँ पर दो चेक लगा के इसको ओके कर दें। ये आपकी इमेज बिटमैप हो गई। लेकिन अच्छा लुक देने के लिए आपको इस पर कलर लेना चाहिए, कोई भी कलर आप अप्लाई कर दें और फिर आप वही चीज़ करें, कन्वर्ट टू बिटमैप। सेम प्रोसेस करने के बाद ओके कर दें और आप फिर बिटमैप में जाएं और नीचे देखिए, आपको ये टेक्सचर का ऑप्शन दिख रहा होगा। टेक्सचर के ऑप्शन पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक दिख रहा होगा, बस आप प्लास्टिक पर क्लिक कर दीजिए और इसको आप यहाँ से सेटिंग के हिसाब से आप इसको इफेक्टिव बना दीजिए, जैसे भी आप इसे रखना चाहते हैं। साइनिंग और चमक के लिए आप इसको सेटिंग कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट देखिए बिल्कुल 3D में बन चुका है, बिल्कुल सिंपल और एक क्लिक के अंदर आपने अपने टेक्स्ट को 3D में कर दिया। ये देखिए देखिए, कॉर्नर कॉर्नर पे इसके लाइट आ गई है। ऐसे ही आप जितने भी टेक्स्ट को आप चाहें तो अपने कलर हिसाब से जो भी कलर देकर इसको आप अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं और सिंपल एक क्लिक के अंदर आप 3D में इसको बना सकते हैं, वो प्लास्टिक मोड में। उम्मीद है ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही ट्रिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।